पुलिस अधीक्षक अमित कुमार निर्देशन के ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना करेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लगभग 8 लाख रुपए कीमत की 40 किलोग्राम अवैध गांजा सहित उड़ीसा के दो तस्कर गिरफ्तार। उल्लेखनीय कि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन पर जिले में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त सक्रिय अपराधियों की सख्ती से कार्रवाई करने हेतु ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा था, जो कि थाना प्रभारी को जिले में अवैध मादक पदार्थ का विक्रय और परिवहन के कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने पर पूर्णतः प्रतिबंध किए जाने पर सख्त निर्देश दिए गए थे। की सूचना के अनुसार दिनांक 7/10/2023 को दो व्यक्ति NH-44 स्थित रकई रोड पर बने ओवर ब्रिज के नीचे बड़ी मात्रा में अवैध गांजा लेकर आने वाले थे, जो कि किसी ग्राहक को बेचने की फिराक में थे। सूचना प्राप्त होते ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उपरांत पुलिस की टीम इन आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु मुखाबिर के बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई, जिन्होंने पुलिस टीम को देखकर भागने का भी प्रयास किया, जिन्हें हिकमत अमली के साथ पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी जाकर रोका और गिरफ्त में लिया। अवैध गांजे की तस्करी में लिप्त दोनों आरोपी उड़ीसा के निवासी हैं, जो कि उड़ीसा से बेचने लेकर यहां 8 लाख का 40 किलोग्राम अवैध गांजा बेचने आए थे। उपरांत पुलिस टीम द्वारा नाम पूछे जाने पर शिशुकांत परीक्षा पिता राज कौर परीक्षा उम्र 29 साल निवास थाना उड़वा जिला गणपत उड़ीसा एवं दूसरे का नाम संतोष नायक है, पिता कमलिक नायक उम्र 36 साल निवासी ग्राम डिंगरसा थाना मोहनगढ़ जिला गणपत उड़ीसा जिला होना बताया है। इन दोनों आरोपियों की तलाशी लेने के बाद संयुक्त कब्जे से दो प्लास्टिक की बोरी में 8 लाख रुपए 40 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया गया NDPS एक्ट आरोपियों की गिरफ्तारी में मुख्य भूमिका उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में अति पुलिस अधीक्षक नागेंद्र पटेरिया SDOP मोनिका तिवारी एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी करेली निरीक्षक आशीष धुर्वे चौकी प्रभारी आमगांव उन्हीं संजय सूर्यवंशी उन्हीं पीयूष साहू साउनी OP मालवीय प्रधान आरक्षक राजेंद्र पटेल आरक्षक हसन राजा आरक्षक आफिस हसन आरक्षक यमन आरक्षक कपित सेन आरक्षक साइबर सेल के नरसिंहपुर में उन्शी प्रिंस साहू अभिषेक सूर्यवंशी आरक्षक नीरज डेहरिया आरक्षक भास्कर सनातनी साइबर सेल जबलपुर से रूही जोशी की मुख्य भूमिका रही। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। अभी हम इसमें पूछताछ कर रहे हैं, जो तथ्य पूछताछ में निकल के आएंगे तो हम आपको बताएंगे। दोनों आरोपी कहाँ के हैं, प्रथम दृष्टया पुलिस ने क्या कार्रवाई की? ये NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। कोई गजापति जिला है उड़ीसा में, वहाँ के रहने वाले आरोपी का नाम शिशुकांत है, दूसरे का नाम संतोष है। काहे से लाए थे गांजा की तस्करी, कैसे काम? ये ट्रेन से आए होंगे निश्चित रूप से, उड़ीसा तो बहुत दूर है, ट्रेन से आए। तो ट्रेन से गांजा लेके आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।